News 18, India. अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सरकार किसानों से पहले भी चर्चा के लिए तैयार थी और आगे भी तैयार रहेगी। आपने सुना, अब इससे आगे आपको सुनवाते हैं कि भारतीय किसान यूनियन ने आज पंजाब के किसानों के समर्थन में हाईवे जाम का ऐलान किया। खनौरी बॉर्डर पर एक प्रदर्शनकारी की मौत के बाद भारतीय किसान यूनियन ने यह फैसला किया है। भारतीय किसान यूनियन के गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक हाईवे को जाम किया जाएगा। अभी हमारी जूम मीटिंग हुई थी और फैसला लिया है वो पुतला फूकने का प्रोग्राम रद्द करके 2 घंटे का रोड जाम का प्रोग्राम है और सभी जिले अपनी अपनी जगह पे एक एक जगह जिले में रोड जाम करेंगे 2 घंटे के लिए 12 बजे से 2 बजे तक। भारत किसान यूनियन उनके अध्यक्ष को आप सुन रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए हमारे जिस तरीके से कल किसान एक किसान की जान चली जाती है उसके बाद अब हमने ये तय किया है कि हम रोड जाम करेंगे, लेकिन बार बार सरकार ये कह रही है आपकी मांगों को सुना जाएगा। एमएसपी पर गारंटी देना संभव नहीं है, ये तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह चुके हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मानव शंभू बॉर्डर से लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। मानव, सुबह की क्या अपडेट है? कल आपने पंडित जी से बात की, वो ये कह रहे हैं कि हमें अभी तक औपचारिक तौर पर नहीं बताया गया कि बातचीत होगी। देखिए, जब सरवन सिंह पंडित से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जब पंजाब पुलिस की तरफ से हमको ये संदेश दिया गया कि सरकार बातचीत करना चाहती है पांचवें दौर की, तो बाकायदा किसान नेताओं ने ही ये कहा कि आप ये फलां फलां बातें ट्वीट करके लिख दीजिए। और उसमें ये था कि एमएसपी गारंटी कानून पर भी बातचीत करेंगे, तो उधर से जब ट्वीट किया गया अर्जुन मुंडा की तरफ से तो उसमें सिर्फ एमएसपी का जिक्र था। तो किसान नेता ये कह रहे हैं कि जब तक सरकार बैठक का एजेंडा तय नहीं करेगी, जब तक सरकार ये नहीं कहेगी कि हम एमएसपी गारंटी कानून पर बातचीत करेंगे और उसके लिए आगे बढ़ेंगे, तब तक हम आगे बातचीत सरकार से नहीं करेंगे। सरकार अगर हमें आमंत्रित करती है तो हम उसके बारे में विचार करेंगे, लेकिन सरकार पहले अपनी बैठक का एजेंडा तय करे। दूसरी तरफ एक बड़ी खबर यहाँ से ये है कि आज और कल 2 दिन के लिए यहाँ पर कोई भी दिल्ली कूच नहीं होगा, कोई भी किसान दिल्ली जाने की कोशिश नहीं करेगा। ये पूरे प्रदर्शन को 2 दिन के लिए इसी शंभू बॉर्डर पर किसान नेताओं ने रोक दिया है, क्योंकि दोनों बॉर्डर पर जो कल हिंसा हुई है उसमें एक किसान के जान जाने की बात भी कही जा रही है, तो कुछ हरियाणा पुलिस के जवानों के घायल होने की बात भी कही जा रही है। दोनों ओर से हिंसा हुई थी, काफ़ी ज़्यादा आंसू गैस के गोले यहाँ पर छोड़े गए थे, तो इसलिए अब किसान नेता आपस में बातचीत करके उसका आकलन करेंगे और आकलन के बाद आगे आंदोलन को किस दिशा में मोड़ा जाएगा ये देखा जाएगा। इसके अलावा एक ज़रूरी बात ये भी है कि कल जब हमने देखा कि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि दो, क्योंकि यहाँ पर 2 ही किसान नेता हैं जो इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं, एक आपके पंडेर हैं, दूसरे हैं डलेवाल। इन दोनों ही किसान नेताओं से एक तरीके से अब देखा तो इनके हाथों से चीज़ें बेकाबू हो गई थी, कुछ ऐसे तत्व भी भीड़ में घुस गए जिन्होंने कहीं ना कहीं भीड़ को भड़काने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दोनों नेताओं की बनती है। और जैसी तस्वीरें हमने देखी हैं तो कहीं ना कहीं वो इस बात से डरे हुए हैं कि कई प्रदर्शन के चलते कोई अराजक तत्व यहाँ पर घुसकर प्रदर्शन को खराब ना कर दें, इसलिए इस पूरे प्रदर्शन को 2 दिन के लिए यहाँ पर दिल्ली कूच को यहाँ पर रोका गया है।